हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड लर्नर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो संदीप माहेश्वर हैं उनके द्वारा एक ऐसे स्टॉक है जिसके बारे में ये प्रेडिक्शन किया गया है कि भाई वो 5,000 पे अभी चल रहा है और उसके 50,000 होने की उम्मीद है उनको। ठीक है, हाल फिलहाल में दोस्तों अभी उनकी एक वीडियो सामने आई थी, मैं जिसको मैं सुन रहा था और उसको सुनने के बाद में, क्योंकि मेरी स्टॉक मार्केट को लेकर के काफ़ी अच्छी नॉलेज है, तो उस नॉलेज के बेसिस पे मैंने एक स्टॉक जो था उसको आइडेंटिफाई किया जो उनकी कही हुई बात से जो है मैच करता है। और बिल्कुल उस स्टॉक को मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर रिकमेंड काफ़ी लोगों को कर चुका था। जिन लोगों ने वो वीडियो पहले देखी होगी उन सब ने उस स्टॉक को बाई किया होगा। उस स्टॉक को जानने के लिए दोस्तों आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और सबको बताएं, सभी रिटेलर्स की कम्युनिटी को बताएं कि जो स्टॉक है उसमें कितना दम है। स्टॉक मार्केट में वो जो है 10 गुना होने की बिल्कुल उसमें काबिलियत है। और आप जो है मेरी उस प्रीवियस वीडियो को भी ज़रूर जा करके देखिएगा, मैं ऑलरेडी नवंबर मंथ में ही पहले ही प्रिडिक्ट कर चुका था कि उस स्टॉक को जो है 5,000 या काफ़ी अच्छा उसमें रिटर्न मिलने की संभावना है। ठीक है, अभी अपन इस वीडियो को देखेंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ कि संदीप माहेश्वरी सर ने उस स्टॉक के बारे में और जो वो बुक है बेंजामिन ग्राहम की बुक है जो वॉरेन बफेट भी रिकमेंड करते हैं उसके बारे में क्या कहा है। इस पूरी वीडियो को आप पूरा ढंग से देखिएगा, आपको बहुत कुछ समझने और सीखने को मिलेगा। और आपको उस स्टॉक का भी मैं आखिर में बताऊंगा कि वो स्टॉक कौन सा है जिससे आप आज, जिसकी कॉस्ट करीब 5,000 है और उसमें 50,000 तक के होने की पूरी पूरी संभावना है, जो कि अगले 5-10 साल में होता हुआ आपको देखने को भी मिलेगा। फिर मैं उसके फंडामेंटल्स को आपको बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों जो चीज़ है इस चैनल पे आपको प्रोवाइड की जा रही है वो बिल्कुल क्रेडिबिलिटी पे बेस्ड है। और मेरी पूरी अपनी तरफ से यही कोशिश रहती है कि जो रिटेलर्स है उसकी कम्युनिटी को कैसे अवेयर किया जाए और उनको कैसे एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक मार्केट में जो है ट्रेडर और इन्वेस्टर बनाया जाए, ताकि वो आगे भविष्य में जा कर के जो है काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ पर जा सके। अगर दोस्तों हम सब लोग जो है अगर फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ पर आगे बढ़ सकेंगे तो हम अपनी लाइफ की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उनसे निकल पाएंगे। ठीक है, स्पेशली जो मनी से एसोसिएटेड चीज़ें उन सब से बाहर निकल के अपनी लाइफ को और बेहतर बना पाएंगे। तो ये जो है संदीप माहेश्वरी सर का भी एक लक्ष्य और मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ हूँ, तो इस वजह से जो है ये लक्ष्य मेरी खुद की भी लाइफ का है कि मैं खुद और दूसरों को सबको फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ पर आगे बढ़ा सकूं। तो चलो दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करना, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे जितनी भी वीडियोस हैं वो उनमें जो नॉलेज है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने हर बात को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है इस चैनल पर, हर एक एक वीडियो इस चैनल की इंपॉर्टेंट है, आप जा कर के ज़रूर देखें, आपके काफ़ी सारे पैसे बच जाएंगे। अगर आप किसी स्टॉक मार्केट के कोर्स को कर रहे हो उसकी बजाय आप इन वीडियोस को जाकर के एक बार देख लोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम संदीप माहेश्वरी सर की वीडियो से शुरुआत करते हैं कि उन्होंने पहले तो क्या बोला था। ठीक है, तो दोस्तों उनकी जो है ये एक वीडियो आई थी फिलोसोफी ऑफ लाइफ करके। ठीक है, इस वीडियो को मैं जब सुन रहा था तो मेरे दिमाग में जो है ये ख्याल आया था कि वो किस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं। पहले ही हम सुनते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। ठीक है, ग्राम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उसमें कुछ था नहीं करने के लिए तो मैंने क्या किया, एक बुक छोड़ना होता है ना लॉकडाउन के टाइम पे, मेरे पास में कुछ था नहीं करने के लिए तो मैंने क्या किया, एक बुक है बेंजामिन ग्राम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो वॉरेन बफे के गुरु रह चुके हैं, तो उस बुक को पढ़ा और बहुत ही डीपली पढ़ा, एक एक चीज़ को बारीकी से समझा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या होती है। उसके बेस पे एक स्टॉक भी निकाल लिया, सिर्फ एक निकला उसके बेस पे इंडियन पूरे स्टॉक मार्केट के अंदर से, मुझे और कोई दूसरी कंपनी मिली ही नहीं, उसका मैं नाम नहीं लूंगा नहीं तो उसकी मार्केटिंग हो जाएगी एक तरीके से। सिर्फ एक स्टॉक मिला और वो स्टॉक का प्राइस पॉइंट भी मुझे पता था कि ये है, उसमें मैं घुस गया। ओके, अब मुझे पता था कि एग्जैक्टली इतना होने वाला है और आज की रेट में उतना ही है क्योंकि एक साल हो गया है। सो ये सब उस वक्त तो 2,000 का था तो मुझे पता था कि इतने टाइम बाद वो 5,000 का होगा और मुझे ये भी पता है कि वो अब आने वाले इतने टाइम बाद 50,000 का होने वाला है।
यानी अगर मैंने इतना लगाया तो इतना होने वाला है, प्लस मुझे ये भी पता है कि उस कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं, उस कंपनी की मैंने पूरी एनुअल रिपोर्ट स्टडी करी है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को अब तक सुना होगा और आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा इस वीडियो में कि ये जो है किसी एक स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी प्राइस जो थी वो 2000 रुपये थी, वो आज की तारीख में वो स्टॉक 5000 रुपये का है और आगे उसके 50,000 तक होने की संभावना है। तो दोस्तों आज मैं उसी स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं और उसके पूरे फंडामेंटल्स के भी बारे में मैं बात करूंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि उस स्टॉक के बारे में मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो भी बना चुका हूं और मैंने लोगों को पहले भी अवेयर किया था कि उस स्टॉक के फंडामेंटल वो काफ़ी एक अच्छा स्टॉक है, उसको बाय किया जा सकता है और उसका कोई मुकाबला नहीं है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो दोस्तों अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों हम जो है अभी मनी कंट्रोल नाम से ये वेबसाइट है इसके ऊपर आ गए हैं, ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा जो है हम उस वीडियो को भी खोल लेंगे अभी थोड़ी देर में। तो दोस्तों उस स्टॉक का नाम है, दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, उस स्टॉक का नाम है बजाज फाइनेंस, ठीक है। बजाज फाइनेंस जो है दोस्तों इस स्टॉक में इतना दम है, मतलब इसके फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि आप जाकर के देखोगे ना एक बार तो आपको खुद को बहुत अचंभा होगा, ठीक है। अभी हम जो है ये मनी कंट्रोल के पेज पे आ गए हैं। ज़्यादा बेहतर होगा दोस्तों मैं आपको दूसरी एक वेबसाइट है उसके थ्रू बताता हूँ, उसका नाम है स्टॉक एज नाम से एक वेबसाइट है दोस्तों। अब इस वेबसाइट को देखोगे आप तो आप यहाँ पे आकर के जो है बजाज फाइनेंस लिख सकते हो, तो बजाज फाइनेंस लिखने के बाद आ जाएगा, ये ओपन हो गया है बजाज फाइनेंस। आज की तारीख में जो है ये 4679 का चल रहा है, एक मिनट, ठीक है 4679 का हो गया, चूँकि स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों अगर हम पिछले पूरे एक साल का ग्राफ देखें या पिछले दो साल का, तो जो कोरोना का टाइम चल रहा था, जो वो बोल रहे हैं लॉकडाउन लगा हुआ था, ठीक है, तो वो लॉकडाउन जब लगा हुआ था दोस्तों जब लॉकडाउन चल रहा था ना, तो उस स्टॉक की कीमत जो थी वो कितनी थी, ये 2000 रुपये, यहाँ आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों उस स्टॉक की कीमत जो है 2000 रुपये थी एक साल, ये दो साल का चार्ट है दोस्तों, और ये जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे 2000 रुपये था वो स्टॉक, ठीक है। अब वो जो है ऊपर उछल चुका है स्टॉक, कहाँ पे गया, 5000 रुपये पे गया। मेरे अंदाजे के हिसाब से दोस्तों मैं काफ़ी श्योर्ड हूँ कि वो सिर्फ बजाज फाइनेंस के स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि बजाज फाइनेंस को मैंने काफ़ी अच्छे से ट्रैक किया है, मैंने हमेशा उसके ऊपर नज़र रखी है दोस्तों। इसके फंडामेंटल्स आपको दिखाऊंगा तो आप खुद सोचेंगे यार ये कंपनी क्या है, ठीक है। अगर उन्होंने एक्चुअली बात की है इस वीडियो में कि उन्होंने पूरी एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ी है, ठीक है, जैसा कि बेंजामिन ग्राहम की भी बुक बोलती है कि आपको हर कंपनी की जिसका भी आप एनालिसिस कर रहे हो फंडामेंटल्स का, उसकी आपको एनुअल रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, उसका फ्यूचर विज़न पता होना चाहिए, उसका बिजनेस पता होना चाहिए, बिजनेस मॉडल सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बेसिक तौर पे बता दूंगा कि उसके वैसे भी ऑलरेडी फंडामेंटल देखें तो काफ़ी अच्छे हैं, जिसमें से हम फंडामेंटल वाले सेक्शन पे चलते हैं तो आपको ये पता चलेगा बजाज फाइनेंस और बजाज फिंजर दो स्टॉक मार्केट के बहुत इंपॉर्टेंट शेयर है और दोनों बहुत शानदार कंपनी है, ठीक है। इनका मॉडल ही बड़ा ज़बरदस्त है, मॉडल भी दोस्तों इसलिए शानदार है क्योंकि इनके बजाज ऑटो नाम से भी एक कंपनी चलती है और ये बजाज परिवार ही अगर बात करें तो ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही दिलचस्प फैमिली है दोस्तों। इनकी फैमिली का एम्पायर बहुत बड़ा है, अगर आप इनकी पूरी बिल्कुल ट्री स्ट्रक्चर देखोगे तो बिल्कुल जैसे टाटा का ग्रुप रहा है, जैसे कि अडानी अंबानी और इनका जो ग्रुप रहा है, उसी तरीके से दोस्तों ये बजाज फाइनेंस भी एक ऐसा शानदार परिवार है जिनकी कंपनी और उनकी फाउंडेशन बड़ी स्ट्रांग है, ठीक है। तो इस वजह से जो है दोस्तों इनका अभी मार्केट कैप जो बजाज फाइनेंस का है वो तो चल रहा है 2,80,000 करोड़ के आसपास चल रहा है, ठीक है। और अगर हम इसके मेन तौर पे बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे, तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट है, अगर आप देखोगे तो ये देखो बिल्कुल इनकी नेट सेल्स दिख रही है आपको, इनकी नेट सेल्स पिछले 6 साल से बिल्कुल शानदार रॉकेट की तरह ऊपर चल रही है, ठीक है।
रॉकेट की तरह ऊपर चल रही है। देखो पहले कहाँ 2016 में जो है 7,000 करोड़ पे था, फिर 9,000 करोड़ हो गया, फिर 12,000 करोड़ हो गया, फिर 18,000 करोड़ हो गया, फिर 26,000 करोड़ हो गया। भाई ये कितनी तेजी से, मतलब ये इंडिया के घर घर में हर लोग जो है ना अपनी जब जब बजाज का स्कूटर खरीदते हैं या फिर कोई बाइक खरीदते हैं, पल्सर आपने खरीदी होगी तो बजाज फाइनेंस से जो है लोन लिया होगा, तो जब वो इनके दो तीन मॉडल है जो एक साथ काम करते हैं, ये एक तो इंश्योरेंस भी करा देते हैं, तो बजाज आलियांस ग्रुप भी है जो वो भी काम करता है, उसमें भी जो है फिर फायदा मिलता है, तो ओवरऑल इनको इतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है दोस्तों। एक्चुअली पहले तो उनकी गाड़ी जो होती है जो कि बजाज ऑटो होती है, ठीक है, वहाँ से उन्होंने कोई भी आदमी आता है वो बाइक खरीद लेता है पहले, फिर उसको फाइनेंस चाहिए होता है तो बजाज फाइनेंस उसको लोन दे देता है, फिर बजाज फिंजर जो होता है वो भी कंपनी हो जाती है, तो ओवरऑल इनको जो है इंश्योरेंस कवर भी मिल जाता है। तो अल्टीमेटली आप देखोगे इनका जो, अगर इनके एक्सपेंडिचर जो खर्चे हैं वो टोटल एक्सपेंडिचर लगातार गिरते रहे हैं, और ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इनके खर्चे लगातार साल दर साल गिरते गए हैं, ठीक है, और इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, अगर इधर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस की, तो दोस्तों ये देखिए आप कितना शानदार रॉकेट की तरह बिल्कुल प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है, जबकि कोरोना काल रहा था अभी, तो जब कोरोना के टाइम में जो इतना बुरा वक्त लोगों ने सफ़र किया है, अगर बजाज फिंजर और बजाज फाइनेंस जो हैं इतनी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रही हैं, पहले तो 1200 करोड़ की कंपनी, फिर 1800 करोड़ की, फिर 2400 करोड़ की, फिर 4000 करोड़ की, फिर 5,200 करोड़ की कंपनी अगर ये हो गई है तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ये कल को जो है मतलब 50,000 करोड़ का भी जो है इनका सालाना जो है प्रॉफिट भी हो रहा होगा, एनुअल प्रॉफिट भी एंड लॉस भी हो रहा होगा, और साथ में जो इनके स्टॉक की प्राइस है दोस्तों वो भी जो है 50,000 की हो रही होगी, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपको बजाज फाइनेंस का काफ़ी कुछ पता चला होगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बता देता हूँ कि FIIs तो ज़बरदस्त इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। देखो आप इधर FIIs को देख सकते हो कि हर साल दर साल इन्होंने FIIs ने एक्यूमुलेट किया है, ठीक है, पहले 21.16% था, फिर 21.24, अब 24% पे आ चुके हैं। सन 2021 की बात करें तो 24% जो है इस कंपनी के जो स्टॉक्स हैं वो FII बाई करके बैठे हुए हैं, ठीक है। DIIs ने थोड़ी बहुत कम की है अपनी होल्डिंग, और नॉन इंस्टीट्यूशन के पास से कम हो रहे हैं धीरे धीरे, तो इस तरीके से रिटेलर्स अवेयर नहीं रहते हैं और वो पीछे छूट जाते हैं, उनको लगता है कितना महंगा स्टॉक है, 4000 का स्टॉक है, 5000 का स्टॉक है, अरे भाई जब भी नीचे आता है ऐसा अच्छे स्टॉक्स होते हैं उनको एक्यूमुलेट करना होता है। मैं यहाँ कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं देना चाहता हूँ, बट मैं ये कहना चाहता हूँ इसको आप एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लें, आपको जो भी सही लगता है आप वैसा करें, अपना खुद का एनालिसिस खुद करें, मैं उसके पीछे कोई जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैंने अपने हिसाब से एनालिसिस किया है और मुझे यही लगता है, संदीप माहेश्वरी सर की वीडियो देखी मैंने, मुझे लगा लोगों को पता चलना चाहिए कि ये स्टॉक कितना दमदार है। आप, मैं यही कहूँगा आपको कि आप जाकर के इसके एनुअल रिपोर्ट्स को भी पढ़ें और गहराई से जानें कि ये कंपनी और क्या क्या काम करती है, इस कंपनी की डेप्थ कितनी है, ये इंडिया के मार्केट और इंडिया के बाहर के मार्केट में भी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से काम कर रही है, बजाज फाइनेंस जो पूरा ग्रुप है उसके बारे में जाने, के प्रमोटर्स के बारे में जाने, मतलब एक अच्छा इन्वेस्टमेंट जो होता है वो तभी होता है जब आप 100% रूप से जो है उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसीलिए ये बात बताई है आपको कि आपको लर्निंग मिलेगी इस वीडियो से, मैं कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ लोगों को, लेकिन आपको जो है ये पता होना चाहिए कि एजुकेशनली आपको समझ आना चाहिए कि अगर इसके पीछे जो फंडामेंटल्स हैं बजाज फाइनेंस के पीछे, तो संदीप माहेश्वरी सर ने जो है क्यों बताया इस ऐसे स्टॉक के बारे में, ठीक है, उनका बिल्कुल भरोसा होगा तो ऐसी कंपनी के ऊपर होगा। तो ये मेरा एक प्रेडिक्शन है, मेरा एक अनुमान है दोस्तों, बाकी एक्चुअल बात तो देखो संदीप माहेश्वरी सर ही जानते हैं, मैंने भी हज़ारों स्टॉक्स देखे हैं, मैं हज़ारों स्टॉक्स को देखता हूँ, स्टॉक मार्केट में 6000 स्टॉक है, 6000 मैं नहीं देखता हूँ, मैं सिर्फ 1000 स्टॉक है जिनको देखता हूँ, उससे ज़्यादा मेरे को कोई मतलब भी नहीं है पूरे स्टॉक मार्केट में हर एक चीज़ में जाने का, लेकिन ये है कि आदमी की बात से ही है ना हम पकड़ लेते हैं एक बारी में कि भाई वो किस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, इतनी जो है समझ होनी चाहिए
और अगर आपको लगता है आप मेरे से पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने patreon.com जो है एक क्राउड फंडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसका लिंक दे रखा है, वहाँ पे आप जाकर के मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों आप मुझसे जो है स्ट्रीट लर्नर्स का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जाकर के जुड़ सकते हो, वहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी सारी एजुकेशनल एडवाइस और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता रहता हूँ और वहाँ पे बताता रहता हूँ, लोगों को अवेयर करता रहता हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में, जो भी हाल फिलहाल का ट्रेंड चल रहा होता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हर तरीके का निवेशक है, एक है बहुत लॉन्ग टर्म वाला जो 10-15 साल तक होल्ड कर सकता है, एक है जो 4-5 साल ही होल्ड कर सकता है, कोई है जो एक साल ही होल्ड करके पैसा बना करके स्टॉक मार्केट से निकलना चाहता है। हर इंसान की अपनी अपनी एक हैबिट होती है, ठीक है, हर किसी में वॉरेन बफेट जितनी काबिलियत नहीं होती है कि 30-30 साल तक स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक को होल्ड करके बैठे रहे, ठीक है, हर इंसान में ये कैलिबर नहीं होता है, उसके लिए बहुत धैर्य चाहिए होता है दोस्तों। इसी वजह से, उस धैर्य की वजह से ही वॉरेन बफेट जो है आज वर्ल्ड के सबसे अमीर लोगों की सूची में है। हर आदमी इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उसके अंदर धैर्य नहीं होता, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने बताया आपको, अब मैं बताता हूँ वो वीडियो जो मैंने पहले बनाई थी और बजाज फाइनेंस के स्टॉक के बारे में मैं पहले ही नवंबर मंथ में बता चुका था, ठीक है, लोगों को मैं अवेयर कर चुका था कि इस स्टॉक में बहुत दम है और इसके फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। ये बजाज फाइनेंस की वीडियो है, आप देख सकते हो, ये 2 नवंबर की बात है, मैंने बताई थी, ओपन करके बता देता हूँ, आप इस वीडियो को जा करके देख सकते हो। ये स्टॉक है, इसका चार्ट था, मैंने वीकली चार्ट ओपन कर रखा था और काफ़ी कुछ इस स्टॉक के बारे में मैंने बताने की कोशिश की थी, मैंने अपने तरीकों से जो है इस स्टॉक को समझाने की, ठीक है। तो ये जो है आप उस टाइम पे देख सकते हो कि उसकी प्राइस 2000 के भी नीचे आ गई थी, इवन 2000 पे थी मोस्टली, तो फिर वो चढ़ के जब 3300 पे चल रहा था दोस्तों, उस वक्त पे मैं अलर्ट कर चुका था लोगों को काफ़ी, ये स्टॉक बहुत बढ़िया स्टॉक है, इसको बाई करा जा सकता है और ये इसके संभावना जो है ऊपर और इसके भी ऊपर और काफ़ी ऊपर जाने की संभावना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बातें मैंने इस वीडियो में कही थी, आप इस वीडियो को जाकर के देख सकते हो, इसका लिंक जो है मैं आपको आई बटन पर दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या वीडियो के एंड में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस पूरे डिस्कशन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको इस तरीके की वीडियोस, इस तरीके का एनालिसिस पसंद आया होगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें और patreon.com से मुझसे डायरेक्ट फेस टू फेस जो है लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू जो है बातचीत कर सकते हैं आप, हम किसी स्टॉक के ऊपर जो है आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेंगे, अगर आप अपने पोर्टफोलियो को बेस्ट बनाना चाहते हैं तो, ठीक है। तो आप चाहें तो हमारे पेट्रोन इनिशिएटिव के साथ जुड़े, वहाँ पे आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, या तो चैटिंग से भी कर सकते हो या फिर आप वीडियो कॉलिंग के थ्रू भी आप बात कर सकते हो, उसमें डिफरेंट डिफरेंट मेंबरशिप है जो आपको उस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। इन सब का लिंक जो है दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप उसको जाकर के ज़रूर चेक करें और हमारे चैनल के जितनी भी सारी वीडियोज़ हैं उसको एक बार लाइफ में ज़रूर देख लें। अगर आपने एक बार देख लिया, ये मान लीजिए कि मोर देन 90% आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जो मोटा मोटी आइडिया है वो मिल जाएगा, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे ट्रूथ और ट्रस्ट के बेसिस पर मैंने अपनी तरफ से बेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो दोस्तों अगर आपने अब तक वीडियो को देखा है तो उसके लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।